या देवी सर्वभूतेषु मा महागौरी रूपेण संचिता। नमस्तत्सै 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 नमो नमः। नवरात्रि का अंतिम पड़ाव आ चुका है और आज माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन के देवी के पूजा मूल भाव को दर्शाता है और देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के नौ रूपों और दस महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर संभव कार्य पूर्ण हो जाता है। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन भी पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन इस तरह से माता गौरी की पूजा अर्चना कन्या पूजन के रूप में करके संपन्न की जाती है। और दोस्तों, आज की कथा ये है कि ऐसा माता का स्वरूप कैसा है। तो सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। वह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत होता है। इनकी पूजा करने मात्र से सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रि के अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र और ओम देवी महागौर्य मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं, वह भी कन्याओं को लाल चुनरी ओढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर व चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर भी या फिर माता की मूर्ति रखकर के पूजा अर्चना करें। और इस दिन सौंदर्य प्रदान करने वाली भी माँ को चीज़ें आप प्रदान कर सकते हैं। इससे माँ जो हैं आपको सौंदर्यता भी प्रदान करती हैं। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित कर दें और विधिवत पूजन करें। इस दिन महाअष्टमी कहा जाता है। दोस्तों, महाअष्टमी मीन्स सब कुछ सर्वस्व कर दें। आपके पास जो कुछ है आप इस दिन माँ को दान स्वरूप दें। आप इस दिन माँ को सुहाग की चीज़ें चढ़ाएँ। इस दिन जो है माँ को भोग में क्या चढ़ाएं। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा पूरी सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं, फिर कन्या पूजन करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। महाअष्टमी की तिथि को इसीलिए कहा जाता है। तो आप इस दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं की संख्या दोस्तों नौ की हो तो अति उत्तम, नहीं तो दो कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार के प्रेम के धागों में गूंद करके रखता है। इसके अलावा है कि माता का ऐसा स्वरूप कैसे है। तो सांसारिक रूप में माता जो हैं, जब उन्होंने देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था, उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्वजन्म की सभी घटनाएं जो थी वो विस्मृत हो गई। तब से उन्होंने शिव जी को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान ऐसा वक्त आया अचानक से माँ केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ केवल वायु पी करके ही तप करने लगी थी। उसके बाद माँ ने केवल माँ कोई
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। तो माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति भी दिलाती हैं। तो दोस्तों, अब माँ के जाने का वक्त आ गया है, तो आप जितना हो सकता है माँ की श्रद्धा भक्ति में अपना समय लगा दें। जयकारा शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। माँ सबकी मुरादें पूरी करें। जय माता दी।